दोस्तों, एक थॉट दिमाग में आया, मुझे ऐसा लगता है जैसे नरेंद्र मोदी साहब की फेवरेट फिल्म राम तेरी गंगा मैली होगी। राम बीजेपी के और हमारे भगवान, और गंगा बीजेपी की का एजेंडा, और मैली गंगा मैली थी, मोदी जी ने कहा साफ करूंगा। तो राम तेरी गंगा मैली ये मोदी जी की फेवरेट फिल्म है। आप देखिए, फिल्म 1985 में आई थी और मोदी जी भी राजनीति में 1985 में सक्रिय हुए थे। उसके बाद फिल्म का हीरो जो है उसका नाम नरेंद्र होता है, और हमारे बीजेपी के हीरो का नाम भी नरेंद्र है। बिल्कुल। और नरेंद्र क्यों ना हो, फेमस नाम है। और साथ साथ में ये फिल्म बनारस पे आधारित है, और हमारे मोदी जी की कहानी भी बनारस पे आधारित है, है ना? बनारस के स्टार है वो। और दूसरा, हमारी फिल्म में पॉलिटिक्स है, पूरी फिल्म पॉलिटिक्स से भरी हुई है, और मोदी जी की जीवन भी पॉलिटिक्स से भरा हुआ। फिल्म का हीरो जो नरेंद्र, अपना घर वर छोड़ के पहाड़ों में घूमते रहता है, और हमारे बीजेपी का हीरो भी घर को छोड़ के पहाड़ों में घूमते रहता है। कितनी मिलती जुलती कहानी। और हाईलाइट है कि फिल्म के जो गाने हैं वो भी मोदी जी के जीवन में बिल्कुल फिट है। मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, रास्तों से कारवा तक, इस जमी से आसमां तक, मैं ही मैं हूं। और हो क्यों ना नरेंद्र, धरती पे नर, ऊपर इंद्र, नर इंद्र नरेंद्र। और साथ साथ में मई के महीने में रिजल्ट आने वाला है, इसलिए मैं ही मैं हूं, पीएम भी मैं हूं। और एक तो लगता है जैसे वोटिंग का ही गाना हो, सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, ओ मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन, सुन साहिबा सुन बीजेपी की धुन। और तीसरा गाना, एक राधा एक मीरा दोनों ने पीएम को चाहा। आप तो कहोगे शाम, इसमें दोनों ने शाम को चाहा। अरे शाम मतलब इवनिंग, और इवनिंग मतलब पीएम, मॉर्निंग मतलब एएम, इवनिंग मतलब पीएम। और सुनो तो गंगा ये क्या सुना है, के तट पे तेरे वो लोग आए, जिन्होंने ऐसे पीएम बनाए, ऐसे पीएम बनाए जिनका नारा है के प्राण जाए पर वचन न जाए। तो मोदी जी पीएम है, पीएम मतलब वक्त, वो वक्त उनके पास है और भक्त भी उनके पास में। और राम तेरी गंगा मैली में भक्त थे हमारे संगीत के भक्त, रविंद्र जैन साहब संगीत के भक्त थे, और नॉर्मल भक्त नहीं थे, अंध भक्त थे। इतनी संगीत से उनको प्यार था, संगीत उनसे इतना प्यार करता था, दोनों एक दूसरे के लिए अंध भक्त थे, संगीत भी उनके लिए अंध भक्त था। अब आप फाइनली कहोगे कि यार राम तेरी गंगा मैली में मेरे हीरो का नाम फिल्म में नरेंद्र है, लेकिन असली नाम तो राजीव है, राजीव कपूर, असली नाम तो राजीव है, तो फिर इस फिल्म को तुमने बीजेपी के एंगल से क्यों सुनाया, कांग्रेस के एंगल से क्यों नहीं सुनाया? आखिर फिल्म का हीरो राजीव भी तो है, तभी तो राजीव नाम होने की वजह से इस फिल्म के बाद वो फ्लॉप हो गया, चला ही नहीं।